तो भाई लोग क्या हाल है और स्वागत है आप सभी का एक और तो भाई गेम प्ले वीडियो में। अब गाइस यार वीडियो काफ़ी दिनों बाद लेट है मुझे पता है, क्योंकि यार देखो अब मैं वेट कर रहा था कि पबजी मोबाइल इंडिया आएगी चाहे यार फौजी गेम आएगी तब उसकी गेम प्ले वीडियो डालूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक यार। पबजी मोबाइल का मतलब इंडिया का कोई भी नामो निशान नहीं है कि कब आएगी, अब किसी को भी नहीं पता यार कब आएगी। अब बात करते हैं गेम प्ले की और यहाँ पर तुम्हारा भाई खेल रहा था डुओ वर्सेस स्क्वाड और यहाँ पर आया था मैं नोवा रिप्लाई और सामने एक बंदा दिखता मुझे। अब ये हमारे भाई तो यार कंटेनर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और मुझे लगता है उसके अंदर गन वगैरह पड़ी होगी, तभी यार ये बंदा उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। तो फिलहाल तो इसके मैं बाकी के टीममेट्स देखता हूँ लेकिन कोई दिखता नहीं मुझे, तो जल्दी से इस बंदे की पीटी बनाते हैं। अब इस साइड तो यार एक ही बंदा आया होता है जिसको जल्दी से हम फिनिश करते जाते हैं आगे की साइड की, आगे की साइड मतलब एक दो स्क्वाड और उतर रखी होती है, तो पहले तो जल्दी से बंदे को फिनिश करता हूँ। बंदा मेरा मर ही नहीं रहा, पता नहीं इसके पास ना हेलमेट ना वेस्ट है फिर भी भाई इतना डैमेज खा रहे हैं। तो पहले तो यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी घन ढूंढनी पड़ेगी और मैं देखता हूँ यार ये बंदा अंदर जाने की कोशिश करता कंटेनर के, अब देखते उसके अंदर क्या है और मुझे दिख जाती है M4 पड़ी है, तो मैं फटाफट M4 उठा लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे सामने की टीममेट मतलब बोलता है कि यार मेरे साइड बंदे आए तो जल्दी आ जाए मेरे पास, तो मैं फटाफट यहाँ पर M4 वगैरह उठाता हूँ और जाता हूँ उसके साइड में। अब एक स्क्वाड तो सामने वाले कंटेनर के साथ में थी और एक स्क्वाड मतलब जो लास्ट की कंटेनर है वहाँ पे थी, तो पहले तो यार इन बंदों को देखना पड़ेगा और मैं यहाँ पे जा रही हूँ ऊपर की साइड और देखने मतलब बंदे हैं कहाँ पे। अब सामने आपको यार एक उछलता हुआ बंदा दिख गया होगा जो कि यार कंटेनर के ऊपर लूट वगैरह कर रहा होता है, तो मैं देखता हूँ जल्दी से और जल्दी से बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे यार मतलब ये मैं पता नहीं अपने आप ही कैसे ओपन हो जाता है, लेकिन यार वो बंदा मतलब नीचे जा चुका था। अब यार वो बंदा प्रोन हो चुका था, मुझे लगा यार नीचे जा चुका करने लगे, तो मैं एक बंदे को तो उसको नॉक करता हूँ। अब इधर तो हमें पता था कि यार वो बंदा भी अपने बंदे को रिवाइव देगा, इतने में यार मेरे टीममेट भी मेरे को रिवाइव दे देगा। अब उसके बाद तो यार मतलब वहाँ पे दो ही बंदे देखे थे लेकिन इसके बाकी के टीममेट्स भी हो सकते हैं, तो फटाफट मैं यहाँ पे रिवाइव वगैरह लेता हूँ और ये बंदे इतने में मेरे क्लोज कर देते हैं। अब इस बंदे को तो इजीली नॉक कर दिया और मेरे टीममेट भी मेरे को पीछे से कवर दे जा रहा था, अगर सामने से इसका दूसरा टीममेट आता तो उसको मार देता। तो फिलहाल तो यार ये बंदा कवर में था और इसको मैं फिनिश नहीं कर सकता था कि क्या पता अगर मैं फिनिश करने जाऊँ तो इसका बंदा यार मेरी पेटी ने बना दे। अब इसका बंदा सामने की साइड आ चुका था तो यहाँ पर मेरे पास एक दो नेट पड़े होते हैं, तो मैं सोचता हूँ यार नेट कर दूँ, क्या पता यार नेट से बंदा फट दे, लेकिन मैं नेट यार बिना कुक करे फट जाता हूँ और इतने में तो बंदा अगर पता भी चलेगा ना उसको नेट है तो वहाँ से निकल जाएगा। तो फिलहाल तो यार मतलब बहुत हो चुका था, इसका टीममेट आ ही नहीं जाता, तो पहले मेरा टीममेट जाता आगे की साइड और मैं इसको पीछे कवर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे टीममेट इसके दूसरे टीममेट को निपटा देता है, तो फिलहाल तो जल्दी से इस बंदे के लूट वगैरह लेते हैं और यहाँ से मतलब लूट क्या मेरा सारा टीममेट सारे लूट ले चुका था, तो उसके बाद अब देखते हैं बाकी बंदों की, क्योंकि पीछे से भी स्कारलेट चैनल की आवाज़ आई थी। अब सामने की तरफ हम जा रहे होते हैं चेक करने के लिए बंदा किर है कहाँ पे, लेकिन इतने में यार मेरे लेफ्ट साइड से फुटप्रिंट्स आते हैं और मैं समझ आता हूँ मतलब यहाँ पे यार दूसरी स्क्वाड है हमारे क्लोज इन कर चुकी है, तो फिलहाल तो उनको भी देखना पड़ेगा और मेरे टीममेट को मैं बुलाता हूँ भाई जल्दी से मेरे पास आ जाए, यहाँ पे मतलब एक दो से ज़्यादा बंदे हैं। अब यहाँ काफ़ी देर बाद TPP लेने के बावजूद भी यार ये बंदे आते नहीं है, तो मैं सोचता हूँ मुझे जाना पड़ेगा इन बंदों के पे, और बंदे तो नहीं आ लेकिन एक बॉट जरूर आता है और बॉट के साथ एक बंदा भी। अब यहाँ पे यार दो बंदे तो हम फिनिश कर चुके थे और इतने में इसके तीसरे टीममेट के भी सामने से आता है। अरे ये मतलब हमारे भैया जी पता नहीं क्या ही करने की कोशिश करता भाई, बंदा बिल्कुल सामने से आ रहा था। अब पहले तो टाइम मुझे लगता है बॉट है लेकिन बॉट नहीं, यार ये बंदा होता है, तो जल्दी से इसको भी फिनिश करते हैं। अब इसका बचा था लास्ट टीममेट और जो कि इसके फुटप्रिंट्स मेरे को सामने से आते हैं। अब यार इस बॉट को भी हम जल्दी से निपटा देते हैं और जल्दी से इसकी पेटी लूटते हैं। अब मतलब बॉट की पेटी दिख रहा है मतलब कितनी ज़्यादा एमओ पड़ी है इसके पास। अब फटाफट मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत हीलिंग लगाई रहता हूँ, इतने में एक और फुटप्रिंट आते हैं। अब जिस हिसाब से यार ये बंदा मतलब भागते भागते आ रहा था मुझे लग रहा है रियल बंदा है, और मुझे लग क्या पता यार वो जो स्क्वाड हमने मारी है उसका एक टीममेट मतलब अभी बचा हुआ था, क्या पता वो बंदा ना और अपने टीममेट्स का बदला लेने आया हो और क्या पता हमें निपटाना दे, लेकिन यार पीछे मेरा टीममेट यहाँ पे यार बॉट मारने बिजी था।
लेकिन हमें यहाँ पे एक गाड़ी भी चाहिए थी जिसके हम जोन में जा सकें। अब यहाँ पे तो सामने की तरफ गैराज में गाड़ी लेनी होती है, लेकिन हम सामने जैसे जाते हैं आगे साइड हमें गाड़ी मिल जाती है जो कि दासी होती है। तो फटाफट मैं गाड़ी में बैठता हूँ और आता हूँ यहाँ पे मिल्टा की साइड। अब यहाँ पे भी यार मिल्टा की साइड बंदे उतरे थे, लेकिन अब जैसे हम यहाँ पे आते हैं कोई दिखता नहीं है। अब मुझे लगा क्या पता यार बंदे मतलब यहाँ से लूट वगैरह करके निकलना गए हो, और क्योंकि यहाँ पे दरवाजे वगैरह खुले थे। और इतने मेरा टीममेट बोलता है मेरे पास एक फ्लेयर पड़ी है, क्यों ना भाई फ्लेयर यहीं पर चला दें, और क्या पता यार बंदे हमारे पास आ जाए, क्योंकि तुम्हें पता है जैसे फ्लेयर चलती है ना भाई लालच में बंदे पक्का आते हैं। तो मेरा टीममेट बोलता है जल्दी से यहाँ पे फ्लेयर चला देता है, मैं भी यार यहाँ पे गाड़ी रोकता हूँ और मैं बोलता हूँ यार जो आगे की स्क्वाड हाउस है ना उसमें फ्लेयर चलाते हैं। अब यहाँ पे आप गाड़ी रोकते हैं, रोकते नहीं ठोकते हैं। तो यहाँ पे आप मेरा टीममेट का फ्लेयर चली थी और मेरा टीममेट जल्दी फ्लेयर भी चला देता है, क्योंकि यार अगर थोड़ी भी और लेट करते ना तो यार जोन के बाहर रहते हैं और BRDM मिलती, जो कि यार तुम्हें पता है बिल्कुल बकवास है। तो फिलहाल तो मैं अंदर आता हूँ और सोचता हूँ क्या पता कोई बंदा कैंप वगैरह ना कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे दरवाजे वगैरह सब खुले हुए थे, लेकिन यार ऊपर कोई भी बंदा नहीं होता। तो यहाँ पे जल्दी से हम अपना फ्लेयर का वेट कर रहा था कि जल्दी से हमारे फ्लेयर आ जाए, और फ्लेयर को यार क्या पता AWM मिल जाए फ्लेयर में से, और फिर लूट के बंदों की पेटी बनाए। अब यहाँ पे यार स्मोक पड़ा था, तो मैं अपना अंदाजा से लगा कि यहाँ पे स्मोक करता हूँ, क्या बता रहा मतलब स्मोक के अंदर ही फ्लेयर गिर जाए और हमारे लिए कवर बन जाए। अब यहाँ पे फ्लेयर लूट ही रहा था, इतने में से मैं सामने साइड मतलब एक गाड़ी का साउंड आता है और एक युवा आती है सामने से। अरे यार इस गाड़ी में मतलब दो ही बंदे होते हैं जिसको हम जल्दी से फिनिश करते हैं। अब यहाँ पे पूरी स्क्वाड होती है तो थोड़ी दिक्कत होती है मारने में, क्योंकि मेरी हेल्थ मतलब बंदा काफ़ी ज़्यादा लीड कर चुका था। अब उसके बाद गाड़ी लेके आते हैं हम इस साइड, और यहाँ पे सामने आपको एक मतलब डांसे और युवा दोनों स्पॉट हो गई होगी। तो यहाँ पे डांसे ये और युवा सामने साइड थी, तो मुझे लगता है यहाँ पे मतलब पक्का बंदे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे अलावा यहाँ पे 17 बंदे और बच चुके थे, और यहाँ पे मतलब ये स्क्वाड हाउस से काफ़ी अच्छा कवर मिलता है। और अगर जोन ऐसी जगह बन रहा हो ना तो यार एक हाथ स्क्वाड तो पक्का आ जाते हैं यहाँ पे। ले यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था, सामने से एक नेट भी फट रहा है, मेरा टीममेट बताया सामने साइड स्क्वाड हाउस में शायद बंदा है। तो यहाँ पे बस मैं एक नेट पड़ा था, तो मैं भी सोचता हूँ क्यों ना यार मैं भी एक नेट करके देखूँ, क्या पता मेरे नेट से बंदा फट जाए। अब वो बंदे अपने ना फुटप्रिंट्स दे रहे थे ना कि यार कोई मूवमेंट दे रहे थे, ताकि हमें कोई आवाज़ वगैरह आए और हमें पता लग जाए इसके अंदर बंदे हैं कि नहीं। अब मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा तगड़े कैंपर थे, तो मैं आप एक नेट और पड़ा होता है, तो मैं सोच रहा क्या पता एक नेट और कर दूँ और क्या पता इस नेट से बंदा फट जाए। लेकिन तुम्हें पता यार तुम्हारे भाई के नेट कुछ ज़्यादा सस्ते हैं। तो फिलहाल तो यार जैसे ये नेट फटता ना मैं समझ आता रहे बंदे यहाँ पे गंदे वाली कैंपिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं गलत होता हूँ कि यहाँ पे एक भी बंदा नहीं होता। अब यहाँ पे यार बहुत ढूंढने के बाद बंदे तो मिलते नहीं है, लेकिन हमने डांस से उठाता है और सामने की साइड जाते हैं। अब सामने की साइड आपको काफ़ी ज़्यादा गन शॉट्स की आवाज़ आ रही होगी, और सामने एक ड्रॉप भी हुआ था। अब इतने में यार एक सामने से बंदा M4 चला रहा था बंदा, और जो कि हमारे काफ़ी क्लोज था। अब इस यहाँ पर बंदे को देखना मतलब यार मेरा 6x लगा होता है, ये बंदा काफ़ी मतलब पास में होता है। और मेरी टीममेट की खुशी देखो ये मतलब देख रहे हो, बस सारा का सारा डैमेज मैंने दिया और मेरा टीममेट काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसने मेरा किल चोरी कर लिया है। तो यहाँ पे सामने से मतलब काफ़ी ज़्यादा बंदों के गनशॉट्स की आवाज़ आ रही थी, और मैं समझता हूँ यहाँ पे एक दो स्क्वाड आगे की साइड और है, क्योंकि स्मोक वगैरह सब बन चुका था। अब यहाँ पे गाड़ी भी स्पॉट होती है, पहला शॉट तो तुम्हारा भाई मिस करता है लेकिन दूसरा नहीं आ रहा। अब दूसरे में सीधा बंदे का हेडशॉट पड़ता है, अब यहाँ पे यार तुम्हारे भाई की स्नाइपिंग कुछ ज़्यादा ही सस्ती है। अब जिसकी वजह से यार बंदा मतलब नॉक पूरा फिनिश नहीं कर पाता मैं उसको। अब यहाँ पे सामने से स्मोक वगैरह सब बन चुका था, और मैं टीममेट इतने में एक और बंदा नॉक कर चुका है। अब यहाँ पे यार यही मौका था हमारे पास कि हम जल्दी से जाकर रश कर दें, क्योंकि दो बंदे नॉक कर चुके थे हम। अब बाकी मतलब दो और बंदे होंगे, क्या पता एक ही बंदा हो सकता है। मैं फटाफट अपने टीममेट को बुलाता हूँ भाई जल्दी से आ जाओ, और जल्दी से चलते हैं उनके पर रश करने के लिए। अब मेरा टीममेट यार कब से बोले जाता कि ड्रॉप के पीछे एक बंदा है, ड्रॉप के पीछे एक बंदा है, लेकिन मैंने उसकी सुनी नहीं, और मैंने जो बंदा नॉक करता था उसको मैं फिनिश करने आता हूँ। और अगर यहाँ पे मैंने अपने टीममेट की सुनी थी क्या पता हम मतलब पूरी स्क्वाड खा चुके थे, क्योंकि यहाँ पे दो बंदे नॉक थे और यहाँ पे केवल तीन ही बंदे होते हैं। अब यहाँ पे सामने साइड एक बंदा फुटप्रिंट्स आते हैं अंदर वाले घर में से, तो मैं पैसे एक नेट पड़ाता था, तो मैं सोचता हूँ नेट कर देता हूँ, क्या पता नेट इस बार तो फट जाए, लेकिन इस बार भी नहीं फटता। अब सामने साइड एक बंदा और आ चुका था जो कि पहाड़ी पे था, और वह वहाँ से M24 पटका रहा था। तो फिलहाल तो यार मतलब इन बंदों को देखना था जो कि हमारे काफ़ी क्लोज थे। अब यहाँ पे सामने साइड मेरे टीममेट बोलता है ड्रॉप के साइड से बंदा निकल रहा है।
अब यार जो बंदा ऊपर है पहाड़ी के ऊपर जो वहाँ से M24 पटका रहा है, अब पहले तो उसको देखना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे यार किल भी चोरी कर सकता है। अब यहाँ पे यार मतलब वो बंदा दिखता नहीं है, लेकिन इतने में सामने एक बंदा दिखता है मुझे। अब यहाँ पे दो बंदे नॉक कर चुका था और बारी थी तीसरे टीममेट की, जो कि सामने आपको भी दिख गया पेड़ के नीचे, जो सामने साइड पेड़ है उस वहाँ पे मतलब स्नेक बन चुका है, तो उसको भी देखना पड़ेगा जल्दी से। अब इसी के साथ यार ये स्क्वाड भी हो जाते हैं फिनिश। आप यार वो मतलब जो ऊपर है बंदा M24 वाला, उसके हाथ में हमारे यहाँ एक भी किल ले लेने नहीं देता, तो फिलहाल तो आप भारत उसी की, क्योंकि यार वो ऊपर से काफ़ी देर से हमें परेशान कर रहा था। अब यहाँ पे जल्दी से इन बंदों की लूट वगैरह लेता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ दोबारा से, लेकिन यार वो बंदा मुझे कहीं दिखता नहीं है, तो मैं सोचता क्यों यार अपनी गाड़ी उठाऊँ और सीधा चलता हूँ उस बंदे को मारने के लिए। अब उसके बाद मैं आता हूँ इस पत्थर के पीछे और देखता हूँ क्या पता उसकी और स्क्वाड मतलब आना चुकी है और मैं अकेला जाऊँ और वो बंदे मुझे अकेले ही पकड़ लें। तो फिलहाल तो मैं थोड़े मतलब स्कोप ओपन वगैरह करके देखता हूँ, लेकिन इतने मेरे सामने से मुझे लेफ्ट साइड से फुटप्रिंट्स आते हैं और ये बंदा हमारे क्लोज आ चुका था। अब ये वही बंदा था जिसका सबसे आरपी में नाम ऊपर था और इसकी भी पेटी बनाई दी जाती है। तो यार इतने में सामने से एक बगी की साउंड होती है जो कि इसका टीममेट होता है और इसको बचाने के लिए आता है। अब फिलहाल तो मुझे पता नहीं चलता मतलब कहाँ से बगी है, और इतने में यार थोड़े और साउंड आता है बगी का और मैं समझता हूँ ये बगी सामने की तरफ है। अब मैं जाता हूँ इसको मारने के लिए और मेरा टीममेट भी मेरे साथ ही आ रहा होता है, तो यार ये बगी लेकिन इतने में यार हाथ से निकल जाती है हमारे। अब वो बंदा तो यार यहाँ से निकल के जोन में जा चुका था और बारी थी हमारे जोन में निकलने की। अब यहाँ पे जैसे तैसे करके हम फटाफट गाड़ी उठाते हैं और निकल लेते हैं जोन की तरफ। और सबसे यार घटिया जो जोन लगता है ना मुझे जब बनता है यार यासाना में, क्योंकि यहाँ पे मतलब इतने घर है ना मतलब 500 घर है यार यहाँ पे यार, और बंदे यार मतलब कहाँ कहाँ छुपे होते हैं, कहाँ तगड़ी वाली कैंपिंग कर रहता है तुम्हें कोई पता नहीं चलेगा। अगर एक पीक दोगे ना तो दूसरे घर में से पटाखा आ जाएगा तुम्हें। तो यहाँ पे जल्दी से हम घर में घुसते हैं क्योंकि बाहर रहना खतरे से खाली नहीं था। अब यहाँ पे जल्दी से मैं घर में घुसता हूँ और मेरा टीममेट यार खिड़की के सामने बैठ चुका था, अब वहाँ से अंदर नहीं आ पाता मैं इस साइड आता हूँ। अब जो बंदा वहाँ से बगी लेके भागा था आया तो यहीं गई होगा कि जोन के अंदर यही कुछ घर थे जो कि यार जोन मतलब यहाँ तक बंदा कवर ले सकता था। अब यहाँ पे मैं जल्दी से फर्स्ट एड वगैरह लगाता हूँ और उस बंदे के मतलब फुटप्रिंट्स वगैरह कुछ नहीं आ रहे होते हैं, तो मैं मुझे पर समझ आता था यार ये बंदा तो इस घर में तो नहीं होगा कि यार यहाँ पे हमें उसकी बगी भी नहीं दिखी थी। अब वो बंदा होगा कि सामने की साइड, जो कि सामने की साइड जो घर है यार कितने घर हैं मैं क्या बताऊँ यार बहुत ज़्यादा घर है यहाँ पे, अब यहाँ पे गिन भी नहीं पाओगे तुम इतने घर हैं। अब यहाँ पे जोन वगैरह देखता हूँ तो जोन काफ़ी छोटा हो चुका था और मेरा टीममेट इतने बोलता है कि जो बगी वाला बंदा ना भाई वो सामने तरफ जो अपार्टमेंट आएगा उसमें जाके यार छुप चुका है। तो मैं सीधा जंप लगाता हूँ और बिना सोचे समझे उस बंदे को मारने चल जाता हूँ। अब वो बंदा चाहता हूँ वहाँ से मारता अगर वो बंदा वहाँ पे होता, लेकिन वो बंदा वहाँ पे नहीं होता, तो यार मुझे लग रहा था सामने ड्रॉप है तो क्या पता बंदा ड्रॉप लूटने जा रहा हो। अब यहाँ पे ऊपर रहता हूँ और उस बंदे को मैं देख ही रहता हूँ, उतने में यार उसकी बगी स्पॉट होती है और बगी के साथ बंदा भी हो रहा है यार सामने घर पे। अब इस बंदे का यार एक शॉट देता हूँ जो कि बॉडी शॉट होता है, लेकिन उतने में मेरा टीममेट यार एक गोली मारता है उसके हेड पे और वो बंदा वहाँ से निपट जाता है। अब मेरा टीममेट बोलता है कि सामने की साइड जो और बंदे हैं, जो दो तीन बंदे उसके मतलब छोटा सा घर है उसमें, तो यहाँ पे देखता हूँ बंदों को। तीन बंदे हैं और ये बंदा मतलब यार कुछ ज़्यादा तगड़ी पीक दे रहा था ये, मतलब मेरे को लग रहा है ये चाह रहा था भाई मेरी खोपड़ी तोड़ दो। अब वहाँ पे हम डायरेक्ट पुश नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे यार पूरी की पूरी स्क्वाड थी। अब यहाँ पे देखो दो बंदे हमें और पूरी की पूरी स्क्वाड बची है, तो इसके लिए मैं यहाँ आता हूँ सबसे पहले इस घर में और यहाँ से मतलब थोड़ी बहुत और स्नाइपिंग करेंगे। अपने पास AW में यार दिक्कत कहाँ आ रही है, क्योंकि यार तुम्हें पता है यार स्नाइपिंग करने से वो भी AW के साथ यार अलग ही लेवल की फीलिंग आती है। अब यहाँ पे दोबारा देखता हूँ मैं, लेकिन इस बार यार वो बंदे मेरे मतलब चिपका जाते हैं जो कि उनके पास K98 पड़ी होती है। अब फिलहाल AW में पड़ी होती है तो यहाँ पे मैं सीधा ही नॉक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं बच जाता हूँ K98 की वजह से, क्योंकि तुम्हें पता है K98 कुछ ज़्यादा सस्ती है। अब यहाँ पे यार मैं दोबारा बंदों को देखता हूँ, बिल्डिंग में बंदा है। अब उस बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इतने में यार जो इनका एक टीममेट था हमारा काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुका था। अब यहाँ पे यार हमारे भाई M249 चलाता है, लेकिन मेरे टीममेट के पास भी ग्रोजा होती है जो कि यार टीममेट आराम से उसको निपटा देता है। अब बात है इसके बाकी के टीममेट्स की जो कि सामने की साइड थे और यहाँ पे तीन बंदे बच चुके थे और तीनों के तीनों यार इसी के टीममेट्स थे। अब यहाँ पे मैं दोबारा उन बंदों को दिख रहता हूँ, लेकिन वो बंदे मुझे दिखते नहीं है। अब इतने में सामने से साउंड आता है कि यार बंदे मतलब मेरे काफ़ी ज़्यादा पास हैं। अब यहाँ पे मैं बंदों को देखता हूँ, लेकिन इतने में राइट साइड से साउंड आता है कि यार बंदे मतलब जोन के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और मैं देता हूँ और सामने आपको बंदे भी स्पॉट होंगे कुछ। देखना
अब यहाँ पे यार मुझे लगता है मेरे टीममेट ने मतलब एक नॉक तो कर ही दिया था, और मुझे लगता है दूसरा बंदा जो कि यहाँ पे घर के अंदर हो चुका है, और मैं तीसरे बंदे को निपटा दूंगा, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती होती है। और यार दोनों को दोनों बंदे घात लगा के बैठे थे मेरे ऊपर। तो यार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और आपसे यार रोज़ रेगुलर वीडियो आएगी, तो अपने भाई के जल्दी से बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो यार। बंदे वाले थे तुमने।